गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और सर तमाम भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले सेशन में हमने आपसे संकल्प पे बात की थी, तो थोड़ा सा भूमिका उसकी रिपीट कर देते हैं ताकि जो लोग हमारे साथ उस दिन नहीं जुड़े थे वो थोड़ा सा भीग हो जाएं, थोड़ा सा उन्हें भी ज्ञान हो जाए ताकि वो आज का सेशन समझ सके। हमने उस दिन बताया था कि मनुष्य के जीवन में, उसके मस्तिष्क में प्रतिदिन हजारों की संख्या में विचार उत्पन्न होते हैं। हजारों की संख्या में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसमें से कुछ इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनमें से चंद या एक या दो प्रतिदिन दृढ़ इच्छा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और जब दृढ़ इच्छा में कन्वर्ट हो जाती हैं इच्छाएं हमारी, तो फिर हम उन्हें पूरी करने का प्रयास करते हैं। और वो प्रयास कई तरह का हो सकता है, सामान्य प्रयास भी हो सकता है और दृढ़ संकल्प के साथ भी हो सकता है कि हमें ये पूरा करना है। तो उसके लिए हम संकल्प लेते हैं, उसके लिए एक अपने आप से एक वायदा करते हैं कि हम इसे पूरा करें। और उस दिन हमने बताया था कि जो संकल्प है वो स्वयं के द्वारा लिया गया उसे संकल्प कहते हैं। अर्थात अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमसे संकल्प की बात करता है, हमसे दूसरा व्यक्ति कोई प्रतिज्ञा की बात करता है, कोई दूसरा व्यक्ति हमसे कोई ओथ की बात करता है, तो वो दूसरा व्यक्ति जो हमसे कराता है वो उतना प्रबल नहीं हो सकता जितना हम स्वयं से अपने आप से जो है वादा करते हैं। यानी कि हम स्वयं अगर संकल्प लेते हैं तो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उसमें बल है, ज्यादा उसके पूरे होने की संभावना है। ये सब कुछ हमने बताया था। हमने बताया था कि संकल्प और समर्पण में क्या अंतर है और आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण का क्या अर्थ है और संकल्प का क्या अर्थ है, और सामाजिक क्षेत्र में संकल्प का क्या अर्थ है और समर्पण का क्या अर्थ है। इस सारे तथ्यों पर हमने आपसे, आपके साथ चर्चा और परिचर्चा की थी। हमने ये भी बताया था कि जो संकल्प है वो उसी से सामाजिक, अगर हम परिवेश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो निश्चित रूप से संकल्प के आधार पे ही हम 99.9% अपने काम पूरे कर सकते हैं। निश्चित रूप से समर्पण की भावना से हम केवल 1% ही लक्ष्य तक पहुंचने की बात। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण पे 99% हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, लेकिन 1% प्रतिज्ञा करने के बाद भी, संकल्प लेने के बाद भी हमें आखिर में समर्पण करना। इन सारी चीजों पर कल हमने आपसे चर्चा की थी, पिछले सेशन में आपसे चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि संकल्प शब्द का किसी भी टीचर के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए और हमारी शिक्षा में उसका क्या अर्थ। हम जैसा कि प्रत्येक सेशन में करते हैं, ऐसे ही एक छोटी सी कहानी के साथ हम अपना आज सेशन शुरू करना चाहते हैं। हम वो भाव प्रकट करना चाहते हैं कि किसी भी शिक्षक में संकल्प की क्या महत्ता है, क्या महत्व है, कि किसी भी शिक्षक के जीवन में संकल्प का क्या महत्व है, और वो महत्व अगर है और महत्ता अगर है तो वो अपने विद्यार्थी के जीवन में उस महत्व और महत्ता को, संकल्प की महत्ता को कैसे आत्मसात करा सकता है, कैसे इंसर्ट कर सकता है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा या संकल्प का क्या अर्थ है जब आप अपने स्वयं से करते हैं। उन 1883 की बात है, अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क और एक टापू है, आइलैंड है, उसका नाम है लॉन्ग आइलैंड। उन दोनों के बीच कोई रास्ता नहीं था और
एक वैज्ञानिक थे या एक इंजीनियर थे रेबलिन। रेबलिन ने ये महसूस किया कि अगर इन दोनों टापुओं को जोड़ दिया जाए, अगर न्यूयॉर्क से आइसलैंड को, आइलैंड को जोड़ दिया जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत जो लोग इधर उधर से जाते हैं वहां पहुंचने के लिए बहुत मुसीबत से जाते हैं वो सब हल हो सकता है, तो एक पुल का निर्माण किया जा सकता है। जब उसने पुल के निर्माण की बात की तो लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, लोग उस पर हंसे, रेबलिन पे हंसे कि कैसी बात कर रहा है, ये संभव ही नहीं, असंभव को संभव बनाने की बात कर रहा है ये व्यक्ति। तो उसने, उसका पुत्र भी इंजीनियर था, उसका नाम था वाशिंगटन, वाशिंगटन से कहा कि मैं ऐसा करना चाहता। वो जानता था कि मेरा पुत्र बहुत अड़ियल है और अगर ये एक बार मान गया तो निश्चित रूप से ये काम पूरा हो सकता है। तो उसे मनाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, सारे नक्शे समझाए, अपनी प्लान समझाई, अपना सारा कुछ जज्बा उसमें बताया कि मैं इसे करके ही रहूंगा और ये हो सकता है, कोई कारण नहीं है कि ना होने का। तो पुत्र मान गया, और जब पुत्र मान गया तो पिता और पुत्र ने वो काम शुरू किया। और जैसे ही काम शुरू किया वैसे ही कुछ दिनों के बाद एक दुर्घटना हुई और उसमें रेबलिन की डेथ हो गई। रेबलिन की जब डेथ हो गई तो, और जो उसका पुत्र वाशिंगटन था, वाशिंगटन भी घायल हो गया और वो ऐसा घायल हुआ कि उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ इलाज के बाद जब वो होशो हवास में आया, लेकिन उसकी भाषा छिन गई, वो शब्द नहीं बोल सकता, दिमाग तो ठीक काम करने लगा लेकिन भाषा छिन गई, पिता की मृत्यु हो गई और उसकी भाषा छिन गई। अब ये पुल का कार्य कैसे पूरा? तो एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि बेशक भाषा छिन गई लेकिन काम तो पूरा किया जा सकता। इसलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसकी बांह पे कुछ लिखना शुरू किया और पत्नी ने उस स्पर्श को पहचाना और उसे शब्द दिए। और 13 वर्षों तक वाशिंगटन यही करता रहा कि अपनी पत्नी के हाथ पे अपने संदेश लिखता रहा और वो संदेश जो दूसरे इंजीनियर्स थे उन्हें पहुंचाती रही, उन्हें समझाती रही और वो पुल का निर्माण। इतनी मुसीबतों, इतनी घटनाओं के बाद भी वो पुल का निर्माण हुआ और पूरा हुआ। क्या क्या था इसके पीछे कि वो सब कुछ, इतनी घटना दुर्घटनाओं के बाद भी वो सब कार्य पूरा? तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये तभी संभव था जब व्यक्ति स्वयं से संकल्प लेता, स्वयं से वायदा करता है। जब वायदा करता है स्वयं से तो उसे पूरा करने के लिए वो हर चंद कोशिश करता है जो कुछ कर सकता, लेकिन लक्ष्य जो है वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होना चाहिए। एक बात यहां जरूर मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्य का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जो लक्ष्य है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, अगर वो इतना महत्वपूर्ण है तो उसके लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है। अगर लक्ष्य मजबूत नहीं है, लक्ष्य सामाजिक हित में नहीं है, लक्ष्य देश हित में नहीं है, लक्ष्य मानवता के हित में नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर हमारे जो प्रयास है, जो हमारा संकल्प है, वो भी कमजोर पड़ जाता है। मैंने अपने एक दिन सेशन में एक बात कही थी, उसे थोड़ा सा और रिपीट करके एक बात स्थापित करना चाहता हूं कि हमने कहा था कि जब भी हम कंपटीशन में आते हैं, जब भी हम प्रतियोगिता में आते हैं, जब भी हम दूसरों से तुलना करके आगे प्रतियोगिता में आते हैं तो निश्चित रूप से हम गड़बड़ करते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धा के बजाय अनुस्पर्धा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जैसे शायद आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कछुए खरगोश की कहानी नहीं सुनी। निश्चित रूप से मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपने कछुए के खरगोश की कहानी सुनी होगी। आपने कभी सोचा है कि खरगोश क्यों हार गया? आपने कभी सोचा है कि कछुआ क्यों जीत गया? बहुत सारे लेखक, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट बात कह सकते हैं,
लेकिन मेरा एक कहना है और वो कहना यह है कि खरगोश इसलिए हार गया कि उसकी जो नजर थी वो कछुए पे थी, और कछुआ इसलिए जीत गया कि उसकी नजर लक्ष्य पे थी। कछुए की नजर लक्ष्य पे थी इसलिए वो जीत गया, और खरगोश की नजर लक्ष्य पे नहीं थी बल्कि कछुए पे थी इसलिए वो हार गया। इसलिए जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, हम जब प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी नजर प्रतियोगी पे होती है, जो प्रतिस्पर्धा हमारे साथ कर रहा है उस व्यक्ति पे होती है, ना कि लक्ष्य पे होती है। और लक्ष्य पे ना होने की वजह से हम कई बार हार जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब बहुत सारे धावक दौड़ते हैं, उनमें से वो ही धावक जीतता है जिसका नजर लक्ष्य पे होती है, जिसकी नजर उस फीते पे होती है जिसे उसे क्रॉस करना होता है। जिसकी नजर बराबर में दौड़ते हुए लोगों पे होती है, यकीन मानिए उसका जीतना बहुत कठिन काम हो जाता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर लक्ष्य से हट गई है, वो प्रतियोगी पे है। फिर उसके मन में कुछ भावना, दुर्भावना और बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में जीतना है तो हमारी नजर लक्ष्य पे होनी चाहिए, और लक्ष्य हमारी जो संकल्प है वो अगर लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होता है। अब हम जब शिक्षा की बात करते हैं, जब शिक्षक की बात करते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा और परचर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसमें कुछ मानवीय मूल होते हैं, जो हमने मानवीय मूल के सेशन में आपसे बताया था कि मनुष्य के साथ ही बहुत सारे गुण मनुष्य के साथ आते हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो करीब करीब तीन प्रकार की होती है। कैसे होती है? एक प्रकृति होती है कि वो तमोगुण होता है, गुस्से वाला गुण, क्रोध वाला गुण। एक जो है एक राशि गुण होता है, यानी कि रजोगुण जिसे बोलते हैं, उसमें मनुष्य में आलस होता है और काम ना करने की इच्छा होती है, तिकड़मों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना होती है। ये सब जो है राशि गुण में होते हैं, रजोगुण में। और एक सात्विक गुण होता है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों, अपने व्यवहार, अपनी संस्कृति, अपने आधार पे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ये तीनों गुण कोई भी बच्चा लेके पैदा होता, और जब वो लेके पैदा होता है तो हम शिक्षा में उन दोनों गुणों को सात्विक गुण में बदलने का कार्य करते हैं। आपके मन में अगर ये प्रश्न हो कि इसे बदलना कठिन है या असंभव है, तो मैं एक दो उदाहरण देके आपको स्थापित करना चाहता हूं कि रत्नाकर नाम का जो डाकू था वो वाल्मीकि बना, और लोगों का कहना यह है कि संस्कृत का जो आज उत्थान है, जो संस्कृत जहां आज खड़ी है, संस्कृत आज जहां विश्व में खड़ी है, मैंने एक दिन अपने सेशन में बताया था कि केवल और केवल पूरे विश्व में संस्कृत ही एक ऐसी साइंटिफिक भाषा है जो कंप्यूटर में काम आ सकती है, यानी कि जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। केवल और केवल संस्कृत को चुना गया जो कंप्यूटर के साथ कार्य कर सकती है। तो संस्कृत इतनी साइंटिफिक भाषा है, और उसके ज्ञाता थे वाल्मीकि जी, रत्नाकर डांगू से वाल्मीकि बने, यानी कि जो उनमें तमोगुण था उसे सात्विक गुण में बदलने का काम निश्चित रूप से किसी शिक्षक ने किया हो। ऐसे ही आपने सुना होगा एक अंगुली मार एक डांगू था जो मनुष्यों की गर्दन काट के उनकी उंगली काट के एक उंगली को अपनी माला में पिरो लेता। गौतम बुद्ध से जब वो मिले और गौतम बुद्ध का उनसे बातचीत हुई और उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने जो घटना है वो बड़ी रोचक है कि गौतम बुद्ध ने केवल एक बात पूछी कि ठीक है मैं यहीं खड़ा हूं, आप मुझे मार लेना, मैं भागूंगा नहीं, पर केवल और केवल आप अपने घर वालों से पूछ के आओ कि जो मैं कुछ कर रहा हूं क्या उसका जो दंड मिलेगा कभी भी, उस दंड में भी आप साझेदार होंगे। आज जो कुछ मैं लूटपाट कर रहा हूँ, जो लोगों को मार के उनका धन लूटता हूँ, उसे घर में लेके आता हूँ, उसका भोग तो आप सब कर रहे हो, लेकिन क्या अगर इसका कभी कोई दंड मिला तो उस दंड में भी आप भागीदार होंगे? तो उसके परिवार वालों ने कहा ये तो तेरा दायित्व है, तो कैसे हमारा भरण पोषण करता है, उसके दंड में हम क्यों भागीदार होंगे, हमारा क्या लेना देना है उस दंड से।
और अंगुली मार बदल गया था, जिसका गौतम बुद्ध ने अहिंसक नाम रखा था। बड़ी रोचक घटना है अहिंसक की। जब वो अहिंसक हो गया तो एक बार लोगों को बड़ा सताया था उसने, लोगों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू किया, खूब पिटाई कर रहे हैं अंगुली मार, और वो शांत भाव से जो है पिट रहा है। किसी ने आके गौतम बुद्ध के शिष्य ने बताया कि अहिंसक को लोग मार रहे हैं। गौतम बुद्ध भागे भागे गए और लोगों को रोका, रुको रुको रुको, जरा बात तो सुनो मेरे, मार लेना आप, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। और गौतम बुद्ध ने कहा कि जब ये अंगुली मार डाकू था, तब तुम में किसी में एक में भी ऐसी हिम्मत थी कि इसके रास्ते पे भी आ जाओ, मारने और पीटने की तो बात अलग। आज वो बदलना चाहता है तो आप उसे बदलने नहीं दे रहे, इसलिए आप उसे बदलने दीजिए। लोगों की समझ में आया कि वास्तव में अगर उस डाकू के पास तो फटकने की हिम्मत नहीं थी, लोग रास्ता छोड़ देते थे, रास्ते से भाग जाते थे। आज अगर वो बदलना चाहता है तो हमें उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। तो मैं जस्ट ये दो उदाहरण देके आपको ये स्थापित करना चाहता हूँ कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मूल रूप से जो तमोगुण पैदा हुआ है हमारे जीवन के साथ, जो रजोगुण पैदा हुआ है हमारे जीवन के साथ, उसे सात्विक गुणों में बदल सकता है। केवल और केवल शिक्षक बदल सकता है, अपनी संस्कृति से बदल सकता है, अपने भाव से बदल सकता है, अपने को बदल के बदल सकता है। निश्चित रूप से जो व्यवहार है किसी भी शिक्षक का, वो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी और शिक्षार्थी को बदलने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम शिक्षा में और शिक्षक की बात कर रहे हैं कि हम मूल रूप से जो संकल्प की जो पावर है वो पैदा कर सकता है। वो संकल्प की पावर इस तरह पैदा कर सकता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य दें, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो, चाहे वो भाव बदलने का लक्ष्य हो, या कोई कार्य करने का लक्ष्य हो, या कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प हो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को दे सकता है, और जब वो अपना लक्ष्य पूरा करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है। और यकीन मानिए जो ये प्रक्रिया है उसके सात्विक गुण को तो डेवलप करेगी ही, निश्चित रूप से करेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो आत्मविश्वास भी बच्चे में पैदा करेगा। इसलिए हम शिक्षा में, चाहे वो पाठ को याद करने की बात हो, या कोई प्रैक्टिकल करने की बात हो, या केवल फील्ड में जाके घास खोदने की बात हो, या फील्ड में जाके रेस जीतने की बात हो, हम छोटे छोटे लक्ष्यों में निर्धारित करके अगर बच्चे का संकल्प पूरा कराते हैं, बार बार उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो इस लायक है, वो कैपेबल है कि वो अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है, वो अपने संकल्प को पूरा कर सकता है, तो यकीन मानिए बच्चे में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, और फिर वो भविष्य में जब जवान होगा तो उसके सामने पूरा संसार होगा, बहुत बड़े लक्ष्य होंगे, बहुत बड़े टारगेट होंगे, उन्हें निश्चित रूप से वो वैसे ही आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकता है जिस तरह से उसने छोटे लक्ष्य प्राप्त किए हैं, और ये केवल और केवल शिक्षक कर सकता है। शिक्षक कर सकता है और हमारे शिक्षा में परिवर्तन कर सकता है कि वो बच्चे में अपना संकल्प पूरा करने का आत्मविश्वास पैदा कर दे। तभी आज अगर भारतवर्ष की स्थिति आप देखें तो भारतवर्ष प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीजें आती, जैसे कल एक नई चीज आई कि 101 जो रक्षा उत्पाद हैं उसे हम आयात नहीं करेंगे, हम उनका उत्पादन भारतवर्ष में ही करेंगे। निश्चित रूप से 101 से पहले किसी एक उत्पाद के लिए लक्ष्य हमने प्राप्त किया होगा, संकल्प पूरा किया होगा, और फिर एक के बाद शायद 11 का संकल्प पूरा किया होगा, और फिर 21 का किया होगा, फिर 31 का किया होगा, और आज 101 का हमने टारगेट लिया है, हमने 101 का लक्ष्य रखा है, हमने संकल्प लिया है कि 101 ये उत्पाद हम भारतवर्ष में ही पैदा करेंगे। ये जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था उसे पूरा करेगी, निश्चित रूप से उसने छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त किए होंगे। इसीलिए आज 101 लक्ष्यों को, 100 उत्पाद को अपने यहाँ भारतवर्ष में उत्पादन करने का जो लक्ष्य हमने लिया है, निश्चित रूप से हम उसे पूरा करेंगे। मैंने जस्ट एक ताजा उदाहरण दिया है जो कल ही घटा,
वो तभी संभव है जितनी भी डिफेंस की अंडरटेकिंग्स हैं, अगर उन्हें उन्होंने निश्चित रूप से अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी दिखाई होगी कि हम ये उत्पाद कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ये लक्ष्य दिया गया है कि हम भावित जो भविष्य में 2-4 साल 5 सालों में जो है वो 101 उत्पाद जो हम बाहर से आयात करते हैं उसे हम नहीं करेंगे। कल ये भी संभव है कि हम ये कहें कि ये 101 उत्पाद जो डिफेंस के उत्पाद हैं उन्हें हम आयात तो करेंगे ही नहीं, हम इतना उत्पादन करेंगे कि हम दूसरे छोटे देशों को दे जाते हैं। ये तभी संभव है जब हमारी शिक्षा में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे नागरिक को, जो भावी नागरिक है उसे छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करके उसका आत्मविश्वास पैदा कर दिया गया हो, तभी वो इतने बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये जस्ट मैंने एक उदाहरण के तौर पर कही, लेकिन मेरा ये दृढ़ता से मानना है, मेरा ये बिल्कुल सोचना है कि अगर शिक्षक बच्चे के छोटे छोटे संकल्प पूरा करा के उसके उद्देश्य पूरा कराता है, उसके लक्ष्य पूरे कराता है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा नागरिक पैदा हो सकता है देश में जो बड़े लक्ष्यों को अपने संकल्प के साथ पूरा कर सकता है। अंत में एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मदन मोहन मालवीय का नाम जरूर सुना होगा। ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहे, 4 बार अध्यक्ष। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। एक ऐसे व्यक्ति थे जो दान मांग के करोड़ों रुपया उन्होंने पूरे देश से इकट्ठा कर। एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब वो हैदराबाद के निजाम के बाद पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ दान चाहिए, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि दान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और वो अड़े रहे कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ आपसे लेके जाना है। तो उन्होंने गुस्से में आके अपनी जूतियां दिखा दी कि ये जूतियां हैं बस मेरे पास। मालवीय जी ने बहुत नम्रता के साथ वो दोनों ही जूतियां उठाई और मार्केट में निजाम की जूतियों को नीलाम कर दिया और उससे पैसा इकट्ठा कर दिया। ऐसी दृढ़ शक्ति के धनी थे मालवीय जी। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये दृढ़ता जो है मालवीय में कहां से है? मैं उसकी एक ऐसी घटना आपको सुनाना चाहता हूं कि मनुष्य में शिक्षक और अभिभावक या उसकी माँ ही पैदा कर सकती है दृढ़ता। जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, मेरा मानना है, मेरा 100% मानना है कि शिक्षक सब कुछ पैदा कर सकता है, और शिक्षक वो माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, और शिक्षक भी हो सकता है। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और जब उनकी मदर का नाम था मुना देवी, वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, तो उनके पिता घर के बाहर टहले। इतने में एक साधु कोई वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप कैसे परेशान नजर आ रहे हैं? तो उसने कहा हाँ मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से अंदर तड़प रही है और बच्चा पैदा होना चाहता। तो उस साधु ने आसमान की तरफ देखा और बोला अरे अरे अरे। उनके पिता ने, मालवीय के पिता ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे रिएक्ट किया? बोले इस समय अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही पैदा होगा। तो वो अचंभित रह गए उनके पिता कि मैं देश से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, मेरा बच्चा देशद्रोही हुए थे कैसे, ऐसा कैसे संभव? तो उन्होंने साधु से पूछा कि ये योग कितने समय का है? तो उन्होंने कहा केवल 1 घंटे का है या केवल 2 घंटे का है, इसके बाद जो समय आएगा वो निश्चित रूप से उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो देश प्रेम से ओतप्रोत होगा। तो उसने, मालवीय जी के पिता ने अपनी पत्नी मोना देवी जी से बात जाके कि ऐसे ऐसे किसी साधु ने बताया कि इस वक्त अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो देशद्रोही पैदा। तो मोना देवी ने कहा ठीक,
मुझे चारपाई से बांध दो, और चारपाई से बांधने के बाद मुझे चारपाई को उल्टी कर दो। मैं अपने बच्चे को तब तक जन्म नहीं दूंगी तब तक वो मुहूर्त ना आ जाए जिसमें देश प्रेमी पैदा हो, देशद्रोही पैदा नहीं। देशभक्त चाहिए मुझे, देशद्रोह वाला बच्चा नहीं चाहिए। और ऐसा ही किया गया, और ऐसा ही किया गया। और मालवीय जी की मदर ने, उनकी माता जी ने तब बच्चे को जन्म दिया, तब वो मुहूर्त आ गया जिसमें देश प्रेमी पैदा हो सकता था, देशद्रोही का समय चला गया। ऐसी दृढ़ शक्ति थी मालवीय जी की मां। अगर किसी मां में इतना संकल्प है, इतना दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, इतना मजबूत संकल्प है, तो निश्चित रूप से उसकी कोख से जो व्यक्ति पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो भी दृढ़ संकल्प वाला पैदा। व्यवहार केवल बच्चा पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्प की बात नहीं थी, बात यह थी कि किसी मां में कितना दृढ़ संकल्प है कि वो अपने बच्चे को पैदा होने से भी रोक सकती है, वो कितना कष्ट का समय रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसे बर्दाश्त किया। इसलिए उन्होंने अपने व्यवहार से भी मालवीय जी में वो पैदा किया होगा दृढ़ संकल्प की भावना, दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना, कि मालवीय जी ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सच्चाई के साथ रहे, कभी भी वो तुष्टिकरण के हामी नहीं रहे। अगर कोई भी कांग्रेस ने कोई गलत निर्णय लिए तो उनका विरोध करने वाले मालवीय थे। मालवीय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला मृत्यु के बाद। लेकिन मैं मालवीय जी की जो घटना सुनाई, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि वहां उनकी माँ गुरु थी, वहां उनकी माँ शिक्षक थी, माँ ने वो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उनमें पैदा किया। यही काम अब अगर माँ कर सकती है, अगर अभिभावक कर सकता है, तो यही काम गुरु भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है, और वो अपने व्यवहार से कर सकता है। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि जीवन में अगर कुछ भी घट गया है तो वो कल की बात, अगर कल कुछ भी घट गया तो उससे हमें सीख तो लेनी चाहिए, उसके पश्चात अपना आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी एक छोटी सी घटना एडिशन की, एडिशन साइंटिस्ट को आप सब जानते होंगे। एक बार क्या हुआ कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, और जब फैक्ट्री में आग लग गई और सब धुआंधार हो गया, तो उनका जो बेटा था वो दौड़ के पिता के पास आया, एडिसन के पास आया, और एडिसन से कहा, पिताजी पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने देखा कि वास्तव में पूरी फैक्ट्री धू धू करके जल रही थी, कुछ भी बचने की संभावना नहीं। उन्होंने कहा अरे ऐसा दृश्य तो तुम्हारी माँ को भी देखना चाहिए, जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। वो अपनी माँ को बुला के लाया और तीनों जलती हुई अपनी फैक्ट्री को देखने लगे। उसके पुत्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि एडिशन बहुत संतोष भाव से पूरी अपनी फैक्ट्री, पूरी कमाई को जलते हुए देख रहे। तो उसने बहुत उत्सुकता से पूछा कि पिताजी पूरी फैक्ट्री, हमारे जीवन की पूरी कमाई चली गई है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। उसने कहा जब भी जीवन में कुछ भी नष्ट होता है तो वो कुछ ना कुछ पैदा करके भी जाता है। उसने कहा इसमें पैदा करके क्या जाने। उसने कहा कि इस फैक्ट्री को बनाने में, इसकी मशीनें लगाने में बहुत सारी गलतियां हुई थी हमसे, क्योंकि नई चीजें थी हमारे लिए, तो उन सारी गलतियों को मिटा के नए तरह से जीवन जीने का और फैक्ट्री लगाने का मौका दिया ईश्वर ने, वो सब हम संयोजित रूप से और बेहतर तरीके से अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें। मैं एक सोच बता रहा हूं, किसी व्यक्ति की सोच, जो मैं कह रहा था कि जो कल बीत गया उससे सीख तो लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पश्चाताप के आंसू कभी भी हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारे लिए सहायक नहीं बन सकते हैं, हमारा संकल्प पूरा करने में कभी सहायक नहीं बन सकते। ये तमाम चीजों के साथ मैं अंत में सारे शिक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूं
ये बताना चाहता हूं कि जो संकल्प आप लेंगे, जो आप प्रकटीकरण करेंगे, जो आपके व्यवहार से दिखाई देगा, वो बच्चे में बिना बताए कि आत्मसात बच्चा उसे स्वीकार कर देगा, उसे आत्मसात कर लेगा, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करेगा। और शिक्षक, शिक्षक कोई भी शिक्षक, शिक्षा में बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं जब किसी भी बच्चे को छोटे छोटे लक्ष्य दे के उसका संकल्प पूरा करा के उसमें एक आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, एक ऐसे आत्मविश्वास से भरपूर नागरिक पैदा कर सकता है जो कल भविष्य के जब नेता बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उनमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संकल्प लेने की दृढ़ शक्ति होगी वो इतनी मजबूत होगी कि वो एक जबरदस्त और एक मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सेशन के दौरान जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो हमसे हजारों की संख्या में जुड़े रहते हैं, उनके मन में अगर कहीं भी कोई भावना है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हमसे निसंकोच पूछ सकता है, हम उसका आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सार्वजनिक रूप से अगर हमसे आप क्वेश्चन करते हैं, तो सार्वजनिक रूप से जो हजारों हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन क्वेश्चन का जवाब उन तक भी जाता है। इंडिविजुअल पूछने की अपेक्षा अगर आप सामूहिक रूप से हमसे पूछते हैं, तो उसका लाभ जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है। एक बार मैं पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन जो हमारा सेशन होता है, नए शब्दों पे, एक नए विषय पे, शिक्षा और शिक्षक से संबंधित विषय पे होता है, उसे आप इतने ध्यान से सुनते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, उन सब के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद। प्राइवेट सेक्टर में अभी किसी शिक्षक का एक क्वेश्चन आया है, मैं उसे रिपीट कर दूं ताकि वो रिटन में उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करीब करीब 80% शिक्षक बहुत क्राइसिस में हैं, बहुत तंगी में हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं, और फीस नहीं दे रहे हैं तो जो मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं, वो हमें फीस नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में तमाम शिक्षक जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो बहुत तंगी में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन? ये क्वेश्चन था किसी का, जो किसी ने रिटन में हमें भेजा है। सच बात तो ये है कि ये क्वेश्चन ना तो हमारे विषय से कोई कनेक्टेड है और ना ही हमारी संस्था से कोई कनेक्टेड है, फिर भी अगर ये क्वेश्चन आया है तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी राय जो है इस संबंध में दे सकता हूँ। देखो, भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व की जितना भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो भी विभिन्न क्षेत्रों में, सेवा के क्षेत्रों में, जैसे शिक्षक सेवा के क्षेत्र में काम करता है, कुछ लोग प्रोडक्शन के काम करते हैं, कुछ दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, वो सब लोग क्राइसिस में है। केवल भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई है, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, और इसमें एक ही तरीका है जो सब मिलजुल के, इसे जो एक घड़ी है, जो हमारे सामने एक चैलेंज वाली घड़ी है, जो एक ऐसी घड़ी है जो
बहुत मुसीबत की घड़ी है, उसे हम टाल सकते हैं, तो उस घड़ी में हम सब मिलजुल के काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनसे उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके वो बच्चों की फीस जरूर स्कूल में दें। हाँ, एक बात है उसमें, अभी एक जगह यहाँ हमारे पास एक शहर है, शहर में मुझे एक जाने का मौका मिला और बाई दी वे वहाँ अभिभावकों की और प्रबंधकों की कुछ मीटिंग चल रही थी, और जब मुझे ये पता चला तो मैं बिन बुलाया मेहमान की तरह वहाँ पहुँच गया। प्रिंसिपल मुझे जानते थे तो फिर उनके डिस्कशन में बैठने का मौका मिला, लेकिन मुझे वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैं आपको बांटना चाहता हूँ। मैं तमाम अभिभावकों से निवेदन, कृपया करके अपना फोन म्यूट कर लें, किसी की आवाज आ रही है बार बार। तो वहाँ ये तय हुआ प्रबंधन के बीच और अभिभावक के बीच कि जो फिक्स एसेट्स हैं वो ना देके जो कम से कम फी वाला जो हिस्सा है, जो करीब 50% था, वो 50% हिस्सा अभिभावक जरूर दें। और अभिभावकों ने ये स्वीकार किया कि अगर कोई शिक्षक आज नहीं पढ़ा रहा है, आज स्कूल में नहीं आ रहा है परिस्थितिवश, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा है या वो पढ़ाना नहीं चाहता या आना नहीं चाहता, यह उसकी मजबूरी है, जो परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग वो नहीं आ रहा है। इसलिए ये तय हुआ कि जो ट्यूशन फी है वो सारे अभिभावक देंगे, और सारे अभिभावकों ने स्वीकार किया, जो टोटल फीस का करीब करीब 50% था या 60%। तो अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है, जो भी मुझे सुन रहे हैं या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, कि अभिभावक कम से कम जो ट्यूशन फी है जो करीब टोटल फी का करीब 50% या 60% है, अगर वो सब कुछ भी दे दें तो जितने भी शिक्षक हैं उनका सैलरी मिल सकती है। दूसरी बात निवेदन मैं शिक्षकों से करना चाहता हूँ कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं तो कुछ पेट्रोल भी खर्च करते हैं, कुछ टाइम भी खर्च करते हैं। आज आप अपनी बीवी को सहयोग कर रहे हैं झाड़ू पोंछे में, खाना बनाने में, और कुछ बच्चों को पढ़ाने में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको 50% भी सैलरी मिल जाती है, 60% भी सैलरी मिल जाती है, 70% भी सैलरी मिल जाती है, तो भी आप उसमें गुजर बसर कर सकते हैं। आपको पूरी सैलरी के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रबंधन को अभिभावक जो दे रहे हैं उससे जो वो एडजस्टमेंट करके आपको सैलरी के रूप में देना चाहते हैं उसे आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन ये मन से स्वीकार करना चाहिए कि अगर हमें कुछ परसेंट कम मिलेगा तो हम उसमें काम चला लें। और ये केवल मैं आपसे ही निवेदन नहीं करना चाहता, मैं पूरे भारतवर्ष की बहुत सारे कंसर्न, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने सारे लोगों की तनख्वाहें थोड़ी सी कम कर दी हैं, चाहे वो 10% हो चाहे वो 30%। इसलिए शिक्षकों को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर उन्हें कुछ परसेंट सैलरी कम मिल रही है तो उसे वो स्वीकार कर लें और अपना काम चला लें, क्योंकि वो घर में रह। अगर सभी लोग एडजस्टमेंट की भावना सभी के मन में है, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो प्रबंधक हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या हल हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं संस्था की तरफ से ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। संस्था की क्या इसमें सोच हो सकती है वो बिल्कुल अलग सोच हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मेरी सोच है उसे मैंने बताने का प्रयत्न किया है, और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि सब लोग अगर एडजस्टमेंट की भावना से काम करेंगे तो दिक्कत थोड़ी सी हल हो सकती है, और ये मुसीबत की घड़ी सदैव नहीं रहेगी, 2-4 महीने में सब खत्म हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगी चीजें और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक हम सब लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो निसंकोच मेरे से पूछ सकता है। मैं बार बार ये निवेदन इसलिए करता हूँ कि लोग फिर कई बार यहाँ नहीं पूछते हैं और इंडिविजुअल तौर पे पूछते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, वो केवल उस व्यक्ति को ही मिल पाता है,
तमाम लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी जिज्ञासा किसी का, कृपया करके जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वो अपने फोन को म्यूट कर लें, क्योंकि जो घर में बहुत सारे डिस्कशन हम तक नहीं पहुंचने चाहिए, वो डिस्कशन भी फिर हम तक पहुंच जाते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, ये जो छोटे छोटे लक्ष्यों पे जो विद्यार्थी को हम प्रेरित करेंगे वो बड़े लक्ष्यों की ओर पाने के लिए, सर तो अपने विद्यालय में हम कौन सी क्रियाकलाप अपना जीवन में अपना सकते हैं, खास करके विद्यालय के टाइम बच्चों के, जिससे कि वो छोटे छोटे लक्ष्यों को बड़े लक्ष्यों की ओर उसको अग्रसर कर सके, प्रेरित कर सके हम सर। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इस डिटेल पे आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि हमारे, हमने एक दिन, पता नहीं आप उस सेशन में थे या नहीं थे, लेकिन हमने एक दिन अस्तित्व पे बात की थी। कल प्रॉब्लम के चलते थोड़ा नहीं आ पाए थे सर। कोई बात नहीं, हमने अस्तित्व पे बात की थी और उसमें उस दिन हमने बताने का प्रयास किया था कि क्लास में अगर 40 बच्चा है, क्लास में अगर 50 बच्चा है या 25 बच्चा है, तो 25 के 25 का जो मानसिक स्तर है वो समान नहीं होता है। क्यों समान नहीं होता है? कि प्रत्येक बच्चा जो जीवन लेके इस पृथ्वी पे आया है उसकी जो जीवन यात्रा है वो डिफरेंट है, इसलिए जो एसेंस वो लेके आया है, जो बुद्धि का स्तर लेके आया है, जो सारी क्षमता लेके आया है, वो सबकी अलग अलग होती है। इसलिए जो शिक्षक सबसे बड़ा गड़बड़ क्या करता है कि वो सारे लोगों को एक ही लक्ष्य निर्धारित करता है, एक एज के बच्चों को, एक क्लास के बच्चों को। हमें उससे फ्लेक्सिबल होना है, उसे हम 3 या 4 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, वो आपने एक चैप्टर पढ़ाया वो पूरा का पूरा कल याद करके ला सकते हैं, लेकिन कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं, कुछ खेलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो उन्हें उन्हें अगर वो पूरा चैप्टर नहीं तैयार करके लाए तो उन्हें पिटाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी उसकी वो ही है जो वो करके लाए। हाँ 19-20 हो सकते हैं, एक बच्चा बहुत होशियार है तो वो निश्चित रूप से पूरा सेशन तैयार कर, मतलब पूरा चैप्टर तैयार करके ले आएगा, लेकिन जिसके बच्चे में खेलने में ज्यादा रुचि है वो खेल बहुत अच्छा सकता है, उस होशियार बच्चे से वो बेहतर गेम खेल सकता है, हो सकता है कि उस पढ़ाई में उतना होशियार ना, तो उसका लक्ष्य जो है वो वैसा ही निर्धारित करना चाहिए, वैसा ही उसे माफी मिलनी चाहिए जैसा जो है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। जो स्लो लर्नर है उसके प्रति ये भाव होना चाहिए कि ये आधा ही चैप्टर तैयार कर सकता है, ये पूरा चैप्टर तैयार नहीं कर सकता। अगर आप आधा चैप्टर तैयार, स्लो लर्नर है उसे आधा चैप्टर तैयार करके ले आया, उसके लिए भी आप तालियां बजवा देंगे, उसे ऐसा एहसास कराएंगे कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, उसने अपना संकल्प पूरा किया है, तो यकीन मानिए कि अगले दिन वो कुछ बेहतर मिलेगा, बेहतर करने का प्रयास करेगा। अगर आपने उसे पनिश कर दिया, उसे डिमोलाइज कर दिया, तो अगले दिन क्लास से भागने की कोशिश करेगा, ना आने की कोशिश करेगा, अगली बार बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि डंडे तो लगने ही है, पनिशमेंट तो होना ही है, तो मैं याद ही क्यों करूं, जब भी लगने हैं, ये भाव उत्पन्न हो जाता है। जस्ट ये क्लास की मैं बच्चों के प्रति एक दृष्टिकोण की मैंने बात की, ऐसे ही अगर क्लास के बाहर, चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे आप पीटी के उसमें आपसे उस फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं या साफ सफाई करा रहे हैं स्कूल की, हर बच्चे की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो हम अगर उसे ध्यान में रखते हुए उसका लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उससे उस बात के संकल्प की बात करेंगे कि तुझे ये पूरा करना है, तो निश्चित रूप से पूरा दम लगा के उसे पूरा पकड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई भी किसी के जीवन में हो नहीं सकता जितना शिक्षक। मैं आज आपको एक स्वयं प्रकटीकरण की बात कह रहा हूं, अगर मैं 11 साल की उम्र में 6 क्लास का बच्चा था जिसने मैंने पहली डिबेट बोली, और उसके पीछे एक शिक्षक थे प्रीतम सिंह जी, आज भी वो मेरे लिए सम्मानीय, दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन निश्चित रूप से जब उनका नाम आता है तो हृदय में और मस्तिष्क में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 6 क्लास के बच्चे को स्टेज पर खड़ा कर दिया बोलने के लिए, और इतनी मेहनत की उन्होंने मेरे साथ कि इंटर कॉलेज में 3000 बच्चों का स्कूल था, इंटर में बोलने वाला भी बच्चा डिबेट में सम्मिलित था, लेकिन उनकी मेहनत के कारण, उनके कॉन्फिडेंस के कारण, उन्होंने जो कुछ मेरे में कॉन्फिडेंस पैदा किया उसके कारण मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। और वो दिन है, सो आज का दिन है कि ये सीढ़ियां मैं चढ़ता गया। अगर वो सीढ़ियां वो प्रीतम सिंह जी नहीं चढ़ाते उस दिन, तो निश्चित रूप से आज नेशनल लेवल पे नहीं बैठा होता। इसलिए मेरा ये निवेदन है तमाम शिक्षकों से, तमाम शिक्षकों से ये हृदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्लास के जो बच्चे हैं उसे कैटेगराइज करें, कैटेगराइज करें तो उनमें जो भी एसेंस है, जो भी शक्ति है, जो भी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, उसके आधार पे उनके लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारित करने पे उन्हें प्रोत्साहित करें। कोई बच्चा लक्ष्य अपना पहले प्राप्त कर ले या जल्दी प्राप्त कर ले या अच्छा प्राप्त कर ले, इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए शिक्षक को, बल्कि किसकी ताकत कितनी है, कितनी योग्यता कितने बच्चे की कितनी है, उसके अनुसार अगर उसने काम किया तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्यों को तोड़ के अगर बच्चे को हम प्रोत्साहित कर देंगे तो निश्चित रूप से वो बड़े लक्ष्यों को भी एक दिन प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी मान्यता। जी जी, कुल मिलाकर के मोटिवेट हम लोग बच्चों को करते रहे। एग्जैक्टली, मोटिवेट करना है चाहे बच्चा। और दूसरी बात महोदय, आपसे मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो उसे इंडिविजुअल बुला के कहना चाहिए, धमकाना चाहिए, समझाना चाहिए, और जब वो कुछ बेहतर करे तो उसकी सार्वजनिक रूप से पूरी क्लास में प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सेम चीज हमें केवल विद्यार्थी के साथ नहीं करनी, अपने बच्चों के साथ भी करनी। हमारे भी अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो उसके साथ भी चारों बच्चे समान स्तर पर नहीं रह सकते। उनकी उम्र अलग है, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। एक ही माँ बाप से बच्चे दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक महानालायक निकलता है, एक महायोगी निकलता है। तो जो पिछले जन्मों की जीवन यात्रा है उसका प्रभाव है उस पर। तो हम अगर नालायक को नालायक बनने से रोक लें, केवल उसे बहुत योग्य ना बनाने की बात करें, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बढ़िया जीवन जी सकता है। लेकिन हम अगर उस पर ठप्पा लगा दें कि तू तो रोज नालायक ही नालायक रोज करना है, कंपैरिजन करना है दूसरे बच्चे से, देखो ये कितना सीधा है, ये कितना अच्छा काम करता है, इतने सफाई से रहता है, और उसे जो है हम प्रतिदिन प्रताड़ित करें शब्दों से, डंडे से, पनिशमेंट से, यकीन मानिए उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए वो कभी भी कुछ भी बेहतर करे किसी भी क्षेत्र में, उसकी सार्वजनिक प्रशंसा की जानी चाहिए। और अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो निश्चित रूप से उसे इंडिविजुअल बुला के उसे समझाना चाहिए, धमकाना चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो, लेकिन इंडिविजुअल करना चाहिए ताकि वो अपनी बेइज्जती महसूस ना करे, ढीठ ना हो बच्चा। जब बच्चा ढीठ हो जाता है तो उसके सुधरने की जो फिर प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और ये बहुत सारे शिक्षकों के बीच हमने ये बात रखी है, उन्होंने अपने क्लास में इसे इम्प्लीमेंट किया है, जो रिजल्ट्स निकले हैं वो चौंकाने वाले रिजल्ट। तो आपसे भी मेरा ये निवेदन है, आपके साथ जो संबंधित शिक्षक हैं उन सब से भी मेरा। किसी शिक्षक का क्वेश्चन है कि वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अशोक है, मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर प्रोग्राम, जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन्हें जो ट्रेनिंग देते हैं उनका मैं ट्रेनिंग हेड हूं। मेरे साथ करीब 400 से ज़्यादा ट्रेनर्स काम करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट विंग्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। और हम ये काम करते हैं कि उन शिक्षकों से पूछते हैं कि अपनी जीवन में जो आपने बेहतर किया है वो हमें बताइए, उनका हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन करके उसे भारतवर्ष के हर शिक्षक हर कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हमें कोई मराठी का आदमी मराठी में अपना विचार देता है कि मैंने अपने स्कूल में ये किया है, तो हम उसे डिफरेंट भाषाओं में ट्रांसलेट करके पंजाब में भी पहुंचाते हैं और तमिल में भी पहुंचाते हैं। तमिल के आदमी ने जो कुछ हमसे कहा उसे हम
बंगाल में भी पहुंचाते हैं और हरियाणा में भी पहुंचाते हैं और कश्मीर में भी पहुंचाते हैं। जिस शिक्षक ने भी जो कुछ अपने जीवन में बेहतर किया है, हम उससे वो नवाचार लेते हैं, उसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी बुक बनाते हैं और उसे डिफरेंट भाषाओं में उसे ट्रांसलेट करके पूरे भारतवर्ष के हर शिक्षक तक उस पहुंचाने का काम करते हैं कि अपनी क्लास में इन्होंने ऐसा करके बेहतर किया है जो समाज हित में था, विद्यार्थी के हित में था, प्रबंधन के हित में था, शिक्षक के हित में था, किसी के भी हित में था, इन्होंने ऐसा कुछ किया है, उसे हम आप अपने यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, हम ये काम करते हैं। एक मिनट, मेरी जो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मेरी संपूर्ण शिक्षा मेरठ में हुई, जहाँ 1857 का जो गदर हुआ था वो मेरठ से मंगल पांडे ने जो है शुरू किया था, एक इसलिए ऐतिहासिक जगह है मेरठ, तो वहाँ से मेरी जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन मेरी हुई सब वहाँ से हुई। मैंने अपने जीवन के करीब 38 वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में व्यतीत किए और आफ्टर रिटायरमेंट 2015 से पिछले 5 वर्षों से मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ एजुकेशन में जुड़ा हुआ हूँ और एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत 4 ट्रेनर से शुरू की थी उत्तर प्रदेश से, आज हम एक प्रदेश से, आज हम भारतवर्ष में तमाम प्रदेशों में काम कर रहे हैं और हमारे साथ 400 से ज़्यादा ट्रेनर्स। ये संक्षिप्त सा मेरा परिचय था, जो आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री कृष्ण यादव जी का क्वेश्चन है कि जैसे बच्चों को ऊपर उठाने के लिए हम बहुत सारे टिप्स दे रहे हैं, क्या शिक्षकों को भी ऊपर उठाने के लिए आपके पास कुछ टिप्स हैं? सच बात तो यह है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो शिक्षकों को ही ऊपर उठाने के लिए टिप्स। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हम जितने भी योग टीचर हैं पूरे भारतवर्ष में, किसी भी स्कूल में, चाहे वो गांव का स्कूल हो या शहर का स्कूल हो, अब तो हमने जितने प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी अगर किसी के पास कुछ बेहतर है, उसे भी हमने TIA के रूप में एक प्रोग्राम चलाया, टीचर्स इनोवेटिव अवार्ड के रूप में, उनसे भी उसे प्राप्त किया है, उसे भी भारतवर्ष के हर कोने में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। टिप्स हम केवल और केवल शब्दों में नहीं देना चाहते, बल्कि हमने उसे बुक में संकलन किया है उसका, हमने डिफरेंट स्टेट्स की बुक बनाई है, डिफरेंट 14 भाषाओं में हमने बुक को ट्रांसलेट कराए हैं। तो आप अगर हमारे रूपांतर प्रोग्राम में जाके, जो अभी भी JII ट्रेनिंग है वो 11 से 12 और 2 से 3, हम JII पे पूरे हमारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं और उसमें वो तमाम टिप्स बताए जा रहे हैं जिसमें किसी विद्यार्थी को नहीं, शिक्षक के मनोबल को अप किया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को महान बनाया जा सकता है, उसकी क्या महत्ता है समाज में उसका ज्ञान कराया जा सकता है और पूरी सरकार को ये बताया जा सकता है कि अगर कोई भारतवर्ष के भाग्य को बदल सकता है तो केवल और केवल शिक्षक बदल सकता है। तो गवर्नमेंट से लेके और समाज और शिक्षक तक तमाम लोगों के संदेश हम अपना काम के जरिए ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम मूल रूप से शिक्षक के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और शिक्षक के उत्थान से ही बच्चों का और अगली पीढ़ी का उत्थान होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो 11 से 12 प्रतिदिन और 2 से 3 इंग्लिश में आप जो है JII का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसी चैनल पे, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जिससे शिक्षक का उत्थान हो सकता है। मेरा समय हो गया है इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा और विदा चाहूंगा। एक बार आप सब लोगों का, जो भी आज हमारे साथ जुड़े थे, उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार।